नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका स्वागत है। अच्छा काम हमेशा कर देना चाहिए। एक आदमी ने एक पेंटर को बुलाया अपने घर और अपने नाव दिखाकर कहा कि उसको पेंट कर दो। वो पेंटर पेंट लेकर उस नाव को पेंट कर दिया लाल रंग से, जैसा कि नाव का मालिक चाहता था। फिर पेंटर ने अपने पैसे लिए और चला गया। अगले दिन पेंटर के घर पर वो नाव का मालिक पहुंच गया और उसने एक बहुत बड़ी धनराशि का चेक दिया। उसे पेंटर को पेंटर पहुंच चक्का हो गया और पूछा कि यह किस बात है, इतने पैसे है? मेरे पैसे तो आपने कल ही दे दिया था। मालिक ने कहा कि यह पेंट का पैसा नहीं है, बल्कि ये उस नाव में जो छेद था उसको रिपेयर करने का पैसा है। पेंटर ने कहा, अरे साहब, वो तो एक छोटा सा छेद था, सो मैंने बंद कर दिया था। उस छोटे छेद के लिए इतना पैसा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मालिक ने कहा, दोस्त तुम समझते नहीं हो मेरी बात, अच्छा विस्तार से समझाता हूँ। जब मैंने तुमने पेंट के लिए कहा तो जल्दबाजी में तुम्हें यह बताना भूल गया कि नाव में एक छेद है, उसको रिपेयर कर देना। और जब पेंट सूख गया तो मैंने दोनों बच्चे उस नाव को समुद्र में लेकर मछली मारने के लिए ट्रिप पर निकल गए। मैं उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन जब लौट कर आया और अपनी पत्नी से यह सुना कि बच्चे नाव को लेकर नौकायन पर निकल गए हैं, तो मैं बदहवास हो गया, क्योंकि मुझे याद आया कि नाव में तो छेद है। मैं गिरता पड़ता भागा उस तरह जिधर मेरे प्यारे बच्चे गए थे, लेकिन थोड़ी दूर पर मुझे मेरे बच्चे देख गए और सकुशल वापस आ रहे थे। जब मेरी खुशी और प्रसन्नता का आलम तुम समझ सकते हो। फिर मैंने छेद चेक लिया तो पता चला कि मुझे बिना बताए तुम उसको रिपेयर कर चुके हो। तो मेरे दोस्त, उस महान कार्य के लिए तो यह पैसा भी बहुत छोड़े है। मेरी औकात नहीं है कि उस कार्य के बदले तुम ठीक ठाक पैसा दे पाओ। इस कहानी से हम यही समझना चाहिए कि भलाई का कार्य हमेशा कर देना चाहिए, भले ही वो बहुत छोटा सा कार्य हो, क्योंकि वो छोटा सा कार्य किसी के लिए अमूल्य हो सकता है। जय गुरुदेव।